ओके भाई लोग, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा आराम से, प्यार से, शिद्दत के साथ इसके दोस्ती करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर हमारा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं, जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है, वो बॉस आपने अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स सी। तो देखो, चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लियरली बोला है क्वेश्चन में कि हैवी चेन है जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे टॉप पे एकदम लाई कर रही है। ठीक है सर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द चेन एंड द टेबल इज 0.25, मतलब जो पार्ट इस चेन का ये टेबल पे आ रहा है, ये वाला पार्ट टेबल पे है, तो यहां पे जो भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.25, मतलब ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस है, कुछ पार्ट चेन का टेबल पे कुछ लटका हुआ है। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस बने रहेंगे। ठीक है, देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ किसका पूछ रहा है भाई, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन। ठीक है, मतलब जो चेन का जो लेंथ नीचे लटका हुआ है ना, इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन पूछ रहा है इस लेंथ का। ठीक है, परसेंटेज में आंसर आप देख सकते हो, परसेंटेज में आंसर है 15%, 20%, 35%, कितना परसेंटेज इसकी लेंथ की नीचे लटकी हुई है, सीधी सी बात है ना, टोटल में से। सपोज करो इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है, चेन की टोटल लेंथ एल है, और जो नीचे लटका हुआ है उसको मान लो यहां से यहां तक जो लटका हुआ है वो है वाई, वाई लेंथ की चेन नीचे लटकी है, तो जो टेबल पे बची, जो टेबल पे रखी है वो कितनी होगी, टोटल लेंथ है पूरी की एल, हैंगिंग पार्ट है वाई, तो ये बचा है एल माइनस वाई, ये टेबल पे रखी है, सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई निकालते हैं, देन हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना, कैसे करें भाई। तो हमें पता है क्या पूछा है उसने, इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है जो हैंगिंग पार्ट है वो ले लो, जो ओरिजिनल लेंथ है वो ले लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकालना है हमने यहाँ पे, बेसिकली ये हमने निकालना है। ठीक है, इसी से तो मिलेगा, ये टोटल लेंथ है, ये हैंगिंग है, ये ज्यादा है कम है, यहां से फ्रैक्शन मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है जी, यहां से आ जाएगी। ओके, ये करना है, बस ये मैंने आपको बता दिया। अब हमने कुछ भी करके यहाँ पे y बाई एल निकालना है, द लेंथ ऑफ द चेन विच इज हैंगिंग ओवर द टेबल दिस इज y एंड द टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज l एंड द लेंथ ऑफ द चेन विच इज ऑन द टेबल दैट इज l माइनस y, जो लटकी है उसको घटा दो उसमें से, ऑब्वियस है। ठीक है भाई, अब क्या करें सर, देखो अब मजा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब खुद सोच के देखो, आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, कुछ चेन ऊपर रख लेना, कुछ नीचे लटका देना, तो जो चेन नीचे लटकी है उसका जो वेट होगा, जो चेन नीचे लटकी है उसका जो वेट होगा, जो हैंगिंग पोजीशन में है वो इसको नीचे खींचेगा, उसकी वजह से चेन आगे जाएगी, तो फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, फ्रिक्शन इसको गिरने से बचाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन इसको गिरने से बचाएगा, अगर ये रखी है चल नहीं रही है तो ये बैलेंस होने चाहिए, ये फोर्स बैलेंस होने चाहिए। देखो ये ड्राइविंग का काम करेगा, ये जो नीचे लटकी है ग्रेविटी की वजह से नीचे को जाएगी, और इसकी वजह से ये वाला पार्ट आगे को खिसकेगा, देखिए नहीं खिसकेगा, पीछे को उसमें फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, तो वेट अगर इसको नीचे खींच रहा है तो फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है, सो वी कैन राइट हियर इज द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द चेन। फिर सिंपली ये चल नहीं रहा है, ये हमने इक्विलिब्रियम में मान लिया, रेस्ट पे मान लिया है, तो जितना वेट उसको नीचे को खींच रहा है उतना ही फ्रिक्शन उसको रोकेगा, तभी बैलेंस होगा, बस हो गया। अब आ जाओ वेट को क्या लिखते हैं सर, वेट को लिखते हैं, सपोज करो इसका जो मास है ये है एम। ठीक है, जो हैंगिंग पार्ट है इसको मान लो आप एम वन, और इसके मास को मान लो आप एम टू जो ऊपर रखा हुआ है, तो एम वन जी। ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू एन। ठीक है, ऑब्वियसली म्यू एन। ठीक है सर, तो ये हो गया एम वन जी इज इक्वल टू म्यू एन, को क्या लिखोगे, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसके वेट के इक्वल होगा, तो एम टू जी ऑब्वियस है। अब यहाँ पे इनके वेट मासेज नहीं गिविन है, सो हाउ यू कैन अप्रोच दिस, इसके मासेज नहीं गिविन है क्वेश्चन में, अगर कुछ दिया है कुछ भी नहीं दिया है, चूंकि ये एक हैवी चेन है और लेंथ में मास है, तो हम लीनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, पहले तो उसको उड़ाई दो। ठीक है, तो ये बचेगा आपका m1 वन इज इक्वल टू म्यू इंटू एम टू। ठीक है जी, ये बच गए हो वो भाई हो, ठीक है ये बच गए हो। अब देखो, आपने बचपन में पढ़ा था लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, होती है कि नहीं बॉस, लीनियर मतलब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होता है, तो मास डिवाइड बाय लेंथ के रेशियो को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर आपने इसका मास निकालना है, तो m1 उसकी लेंथ दे रखी है, पहले तो मैं चलो लिख ही देता हूं इसको, तो अगर इसका निकालना है तो लैम्डा तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी है तो कांस्टेंट रहेगी,
सो मास m1 ले लो और तो उसकी लेंथ हो जाएगी y, ठीक है। तो m1 आ गया आपके पास लैम्डा y, ठीक है। तो m1 की जगह लैम्डा y लिख सकते हो। सिमिलरली इसका निकालते हैं, इसका मास m2 है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू इसका मास है m2 और उसकी लेंथ है l माइनस y, तो इसका मास आ गया बॉस लैम्डा इंटू एल माइनस वाई। चेक करो आप, ये इसका मास आ गया, यहाँ पे पटक देंगे। M1 कितना आया सर, लैम्डा वाई म्यू, और ये कितना आया सर, लैम्डा एल माइनस वाई। क्लियर? सो कुछ कैंसिल हो सकता है, यस, लीनियर मास डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे y बचा और यहाँ बचा म्यू, म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दो एल माइनस म्यू वाई। तो हमें चाहिए वाई बाई एल, कुछ भी करो हमें चाहिए दिस वन। तो ये वाला रेशियो इधर ले, आई मीन ये वाला टर्म इधर, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हो वाई प्लस म्यू वाई एंड यू कैन राइट म्यू एल। क्लियर है? सो यू कैन राइट वाई कॉमन ले लो, देखो वन प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू एल। ओ थ्री हमें निकालना वाई बाई एल, तो y by l is equal to आ गया बॉस y by l, ये इसके नीचे जाएगा। सो म्यू ओवर म्यू प्लस वन। सो हियर वी गो, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वेरी डायरेक्टली एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट सीखना था इसलिए मेरे को सॉल्व कराना पड़ा, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक में ये फॉर्मूला ही मैं आपको बताता डायरेक्ट, ठीक है। तो हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर क्या सर, y by l यानी फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन विच इज हैंगिंग ओवर द वन एज ऑफ द टेबल, दिस इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यहां से निकाल सकते हो, यानी म्यू बाई म्यू प्लस वन, बस यहां से निकाल सकते हो। अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। करो देखो कितना आएगा सर, म्यू कितना है 0.25, है ना, 0.25 प्लस वन, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है सर। 0.25 ये हो जाएगा 1.25 इंटू 100%, ये देखो पूरा कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, और 5 से कैंसिल हो गया, मैंने आंसर आ गया 20%। सिंपल है, अगर ये डायरेक्ट याद होता तो भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंसेप्ट भी सीखना है और बाद में ये याद रखना है। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट ये रहा, ठीक है, कंसेप्ट ये रहा। परसेंटेज ना पूछता तो आंसर आता आपका कितना भाई, अगर केवल फ्रैक्शन वैल्यू पूछता तो इससे कैंसिल हो गया, 0.2 आ जाना था, 0.2 आ जाना था आपका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज में 20% ऑब्वियसली, ठीक है। तो देख रहे हो आप, मस्त क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, जो हमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जो हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किए, तो जो इसके थ्रू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यही तो लॉजिक बनता है। इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम करने चाहिए, ठीक है। वहीं से पता चलेगा एग्जामिनर का माइंड सेट क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस देता है, किस टाइप के क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है, और आप हल्के में ले लेते हो, फिर वो आपको फोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। आप उनको क्या फोड़ोगे, वो आपको फोड़ देते हैं, इसलिए उनको फोड़ना है, खुद नहीं फोड़ना है, ठीक है। ओके।